खास एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ एक होर एफआईआर दर्ज हुई है। आशीष कपूर के महिला मित्र की दरखास्त से बर्खास्त एआईजी के खिलाफ परचा दर्ज होया है। हालांकि अंडर ट्रायल बर्खास्त एआईजी आशीष कपूर है, कई मसलों में घिरिया होया है, पर बर्खास्त एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ जीरकपुर के डॉक्टर हेमराज मित्तल के खिलाफ भी परचा दर्ज होया है। मोतिया ग्रुप के जीरकपुर के डॉक्टर हेमराज मित्तल के खिलाफ भी परचा दर्ज होया। इस परचे में लविश गर्ग का नाम भी बोल लिया जा रहा है। दस दिए कि पंजाब के एआईजी बर्खास्त जिसते वड्डे इल्जाम लगे। एफआईआर के महिला नाल जबरदस्ती कुटमार के इल्जाम लगे ने। आशीष कपूर की पत्नी तत्काली SHO पुलिस मुलाजमान जांच के घेरे में रखा गया है। इसे खबर से मनोज जोशी मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी की सांझ पा रहे हैं। मनोज, AIG बर्खास्त जिहड़े कपूर ने इन्हां दीआं मुश्किलां कटण दा नाम क्यों नहीं लै रही हैं? सब तो वड्डा सवाल यह है कि धड़ाधड़ परचे दर्ज हो रहे ने, आखिर पहलां वाले समय च सब कुछ क्यों नहीं हो सकिया, हुण ही क्यों हो रहा है? बिल्कुल किशन, जो AIG बर्खास्त AIG आशीष कपूर जोड़े कि इस टाइम भी जेल च हैं, दूजी FIR लगे जेल च है गए हैं, तो उसके विच इसका आए तो अधिक संपत्ति के मामले में जो जेल च है इस टाइम, तो उन्होंने खिलाफ एक होर जी FIR हैगी है, वो जीरकपुर पुलिस स्टेशन से दर्ज की गई है। ये जोड़ा मामला है 2018 का है, ये जी केस है उन्होंने महिला मित्र सी उसकी शिकायत पर किया गया। ये उस टाइम का केस है जिस टाइम उन्होंने महिला मित्र जीरकपुर थाने बंद किया गया है, तो उन्होंने जी फैमिली सी उन्होंने मदर से उन्होंने ब्रदर से उन्होंने भरा भरजाई से उन्होंने उपर एक इमीग्रेसन फ्रॉड का केस दर्ज किया गया। उस केस के थाने रखा गया सगा, जोड़ा केस है ये एक गल आई थी कि जेडे मोदी ग्रुप के डायरैक्टर ने डॉक्टर मित्तल ने जो हेमंत मित्तल ने उन्होंने वालों 50 लाख रुपये दिए गए थे। तो यह किया गया कि एक जोड़ा है लविश नाम का गर्ग का लड़का सू विदेश भेजने के नाँ के उपर 50 लाख रुपये दिए गए थे, तो इसके कारण वो FIR दर्ज हुई थी। उस फैमिली मदर न ब्रदर नू भरजाई नू गिरफ्तार किया गया, तो जिहड़े उन्होंने महिला मित्र से वो भी गिरफ्तार थी। उस तो बाद आरोप यह कि आशीष कपूर उन्होंने थाने में जाके उत्थे दे SHO सके उन्होंने मौजूदगी एक उन्होंने होर इंस्पैक्टर से दो इंस्पैक्टर से CIA के उन्होंने मौजूदगी उन्होंने मारपीट की थी, अश्लील हरकत कीतियां, तो डराया धमकाया, थाने में जबरदस्ती बंद कराया गया। इन्हां धारावां के तहत ये केस दर्ज किया क्योंकि यह केस जिहड़ा हाई कोर्ट चल रहा। हाई कोर्ट ने जी वीडियो देखने तो बाद कार्रवाई करने लिए किया बिजनेस में भी, तो बिजनेस ने अगे जी है पुलिस स्टेशन के जीरकपुर पुलिस जी FIR दर्ज करती है। इस केस के 3 बंदे नाम याद किए गए हैं, एक आशीष कपूर उन्होंने नाम है, दूजा जिहड़ा हेमंत मित्तल उन्होंने नाम है, तो तीजा लविश कुमार गर्ग का नाम है, 3 नाम है। तो ये जी भूमिका हैगी आशीष कपूर की पत्नी के नाम भूमिका की जाँच करने लिए किया गया। उस टाइम के SHO जिहड़े जीरकपुर थाने के पवन कुमार उन्होंने भूमिका की दर्ज कर जाँच दर्ज करने वास्ते किया गया। एक सके समरपाल सिंह जो उस टाइम इंस्पैक्टर से उन्होंने जो इस टाइम DSP बन गए हैं उन्होंने जांच करने वास्ते किया गया। नाल ही एक सके इंस्पैक्टर से उस टाइम के जेडे कि CA स्टाफ के तैनात से तरलोच सिंह उन्होंने भूमिका की भी जाँच करने लिए किया गया, पर इन्हों नाम FIR दर्ज नहीं है पर जाँच लिया गया सगा। तो ये सब तो बड़ी गल यी कि इस केस में जो जाँच की गई जो जाँच हुई ADGP वालों दो ADGP वालों सिट बना के की गई थी, तो उस गल साफ है कि जो मित्तल से हेमराज मित्तल उन्होंने स्पष्ट गल कर दी कि जो पैसे से उन्होंने आशीष कपूर दिते थे 50 लाख रुपये उन्होंने मकान वास्ते, उन्होंने मकान वास्ते उन्होंने कितना नहीं किया भी मैं उस वास्ते दिते, इसलिए जी साजिश रची गई है पूरी उदे विच होने के कारण जे मोतिया ग्रुप के जे हेमराज मित्तल हैं उन्होंने भी नाम दूजे नंबर शामिल किया गया, क्योंकि पहली साजिशकर्ता सब तो ज़्यादा आशीष कपूर ने, दूजे नंबर से हेमराज मित्तल का नाम जो शामिल किया गया है। तो हेमराज मित्तल बड़े बिल्डर ने जीरकपुर के जिन्हों का नाम FIR आने के नाल जी है उन्होंने असी परसन पक्ष जाने लिए फोन भी किया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया सगा, पर जो हेमराज मित्तल है गया उन्होंने भूमिका शुरू तो ही शकते घिरे सी क्योंकि उस टाइम जो आशीष कपूर बिजनेस होंगे सके तो सारे जे बिल्डर से उन्होंने पर उन्होंने काफ़ी प्रभाव सगा। इस प्रभाव के तहत ही जो 50 लाख रुपये की गल आती हैगी है जिस जिन्होंने नाँ से FIR दर्ज थी वो हेमराज मित्तल से, इसलिए उन्होंने नाम इस दर्ज किया गया। जी कृष्ण, मनोज दौराने रिमांड जा आफ्टर अरैसट की कुछ खुलासे होर हो सकते हैं जा इस परचे विच जिन्ने नाम दर्ज किए गए ने उन्होंने ही उचित समझा जाए? नहीं, देखो फिलहाल तो 3 का नाम जिहड़ा है नामजद किए गए हैं, तो बाकिया जिहड़े बंदे ने उन्होंने जांच करने वास्ते कहा गया कि जिहड़े 3 इंस्पैक्टर से 3 हुण DSP बन चुके हैं,
तो उन्होंने जांच करने वास्ते क्या भी उनकी भूमिका क्या रही है, क्योंकि थाने में आशीष कपूर ने उन्होंने कुटिया सेगा, उन्हें थप्पड़ मारा से, उसका वीडियो जो वायरल हुआ सेगा, तो कोर्ट के हाई कोर्ट भी वीडियो लगाया गया सेगा, जदों की जोड़ा बिजनेस ने जो भ्रष्टाचार के केस दर्ज किया आशीष कपूर के उपर, उसकी जमानत टाइम में वीडियो लगाया गया सेगा, उन्होंने महिला मित्र वालों कोर्ट पेश होकर कहा कि अगर ये बाहर आते हैं तो सबूतों नाल छेड़छाड़ करनगे, मैंने उन्होंने जान तो खतरा है, तो उसके आधार पर ही कोर्ट के कहते हैं एफ आई आर दर्ज की गई हैगी है। तो साफ है कि जो बाकी चार बंदे ने उन्होंने चाहे पत्नी है जो वीडियो दिखते हैं चाहे होर ने उन्होंने भी जी जांच की जाएगी, तो जांच में जो भी आएगा उस अनुसार गिरफ्तारी की जाएगी। पर जो आशीष कपूर ने इस टाइम भी वो जेल च ने और जो हेमराज मित्तल है तो लविश कुमार गर्ग हैगा उन्होंने जी पुलिस हैगी भाल कर रही है, तो इन्हों की गिरफ्तारी जल्द तो जल्द होने के आसार ने। जी किशन बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी की सांझ पाने वास्ते। सो AIG बरखास्त आशीष कपूर ते एक होर परचा दर्ज होया है, मुसीबतां लगातार वधदियां जा रही ने। वड्डे बिल्डर जीरकपुर के तनाड़ बिल्डर का नाम भी इस FIR के नामजद किया गया, कि कुछ वड्डे खुलासे आने वाले समय च होणगे लगातार इस खबर से दसदे रहेंगे। तो एक होर वड्डी खबर आ रही है विरोधी